गाइस वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, अन्य परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और लास्ट में आप ये भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, क्रय का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी कि क्रय का विलोम शब्द क्या है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालना है, उसका कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखना है और पोस्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी लेवल से मॉडरेट तक के हैं और एकल क्वेश्चन टफ भी है। आप 20 के 20 क्वेश्चन में सही अगर कर देते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी हिंदी की तैयारी बढ़िया चल रही है। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विक्रय। क्रय का विलोम अर्थ हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा विक्रय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अगुआ बनकर यह कहलाता है रास्ता, रिक्त स्थान में आएगा रास्ता। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तेज गति क्रिया विशेषण का है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, इसमें पढ़ के भी हम आपको बताएंगे, क्लियर भी करेंगे। यह है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधित विशेषता का पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। विकल्प चारों नहीं देख रहे, ये देखो, ये विकल्प हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला है, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, पहला गलत है। दूसरा है, आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ये भी गलत है। तीसरा, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, हाँ ये सही है, ये सही है। तीसरा ऑप्शन इसका, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, ये सकर्मक क्रिया है। आप वाक्य में अगर कर्म मौजूद है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। अनुप्रास अलंकार तो आप जानते ही होंगे, तो इसमें से पहचानिए कौन सा अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी, कानन कठिन भयंकर भारी, ये अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। पंक्ति कानन कठिन भयंकर भारी में क, न और र एवं भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः इनमें अनुप्रास अलंकार है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां वर्णों का अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि कवि का बहुवचन क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवि वृंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है, यहाँ आप देख रहे होंगे, मेरे को जगह मुझे बाजार जाना होगा वाक्य में, उसमें मेरे को क्या होगा, सर्वनाम। तो कौन सी इसमें अशुद्धि हो जाएगी, सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है।
ये तो सभी लोग जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बता दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 डालिए, उसका ए या बी सी डी जो भी ऑप्शन सही है उसको टाइप करिए और पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? सुहावना शब्द किसका परिचायक है? सुहावना शब्द किसका परिचायक है बताइए? सुहावना क्या है? विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र का विलोम शब्द है, अग्र का विलोम शब्द सभी जानते होंगे, अग्र का विलोम शब्द पश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन, इसमें ऑप्शन नंबर बी घटाएं सही शब्द है, सही बहुवचन है, और आप इसमें देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो थोड़ा इधर उधर लग गए हैं, ये ऑप्शन ये इधर है, इधर लग नीचे है, और वी ये है सी डी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन घटाएं इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो उत्तर है निहार, ऑप्शन नंबर ए। नीचे पढ़ के देखिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है, तत्पश्चात दीपशिखा, रश्मि, नीरजा आदि की उन्होंने रचना की। ठीक है, इनकी और भी रचनाएं हैं, दीपशिखा, रश्मि और नीरजा, इनको भी आप याद रखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, बे तुम सम तुम उन सम स्वामी, बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? बे तुम सम और तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? इसमें आप ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए, ये बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण इसमें से देखना है कौन सा है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, कौन सा है भ्रांतिमान, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलो मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो भ्रांतमान का उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ठीक है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ठीक है, इस पंक्ति में हंसनी को ओस बिंदु की भ्रांति हो रही है, यानी कि ओस बिंदु को वो मोती समझ रही है। ठीक है, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर की माया और कहीं धूप कहीं छाया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाइए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा है टिक टाइप करिए और उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? न भूतो न भविष्यति, ये है नरेंद्र कोहली की रचना। ठीक है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की है। नीचे पढ़ के देख सकते हैं, न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लेखक नरेंद्र कोहली हैं, इस उपन्यास के लिए उन्हें के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान 2012 में प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? पहले तो महिला जो होती है वो विद्वान नहीं होती, विदुषी होती है। ठीक है, विद्वान की जगह क्या आएगा? विदुषी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको पूछा गया है कि इसमें जो
अशुद्धि है वो किस में है, वो लिंग में अशुद्धि है, यानी कि महिला की जगह यहाँ अगर कोई पुरुष होता तो ये वाक्य बिल्कुल सही था, ठीक है, वह पुरुष बहुत विद्वान है, ये वाक्य सही होता, ठीक है, तो यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, खड़ी बोली से, किस भाषा से, खड़ी बोली से, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है, पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएँ भी हैं जैसे ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, वांगरू और राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अभिवर्ण से माना जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, सब लोग जानते होंगे, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था ऑप्शन नंबर सी अबुल हसन, ठीक है, नीचे क्या लिखा है पढ़ के देख सकते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था, ठीक है, इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्धमान कासगंज जिले में हुआ था। ये हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं, आपको यहाँ बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, जैसे आपके 20 में से 15 सही हैं तो 15 को ऊपर टाइप करिए, यानी कि 15/20 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपके 18 सही हैं तो आप 18/20 ऐसे लिख के इसमें कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है, चाहे गलत ही दो लेकिन आंसर जरूर देना, ठीक है। क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है, तो आप इनमें से देखिए कि मैथिली शरण की रचनाएँ कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, वो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं रोक देते हैं, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में अगले सेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, वीडियो को लाइक कर देना, जय हिंद जय भारत।